हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आपके साथ जो आज चर्चा कर रहा हूँ, वो सबसे पहले कल की बात करेंगे। तो कल हमने एक चर्चा की थी कि देखिएगा, एक फेडरल रिजर्व की जो है मीटिंग है और उसका आउटकम आना है। तो वहाँ से एक सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन जो है बाज़ारों को मिली, तो उसका एक रिएक्शन यूएस के बाज़ारों में देखने के लिए मिला। फिर उसके जो इम्पैक्ट थे दूसरी इकोनॉमीज में, दूसरे स्टॉक बाजार में, वो सब पॉजिटिव थे। अब उसके अलावा हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और जो यूएस के फेडरल रिजर्व का रिएक्शन होगा वो इम्पैक्ट करना है। अब जो रेंज बाउंड ट्रेड था, तो आज बाजार एक रेंज में ही रहा। और आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की भी, तो यहाँ पर अब किस तरीके के आउटकम अभी हमें दिख रहे हैं वो आपके साथ चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आज बाजार खुला कहाँ पे? बाजार खुला 19,120 पर। ओपनिंग प्राइस देखिएगा 19,120 पर। और 19,120 पर खुलने के बाद बाजार गया कहाँ पर? 19,064 की तरफ, नीचे की तरफ। ऊपर कहाँ गया? 19,175 में। दोनों जगह घूम के आके बंद कहाँ पे हुआ? जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास। दोनों रेंज में काम किया, जाके बंद हो गया। बाजार में एक चीज पक्की हुई है कि बाजार में अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखने लगी है। तो ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है, ये इसलिए भी है कि बाजार ओवरसोल्ड था। तो हो सकता है कि आपको टेक्निकली 19,240 से लेके 19,300 के आसपास के दायरे आपको कल के समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि सेलिंग आती है, ये लेवल्स सस्टेन रहते हैं। तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे जब 19,300 19,320 की तरफ अगर बाजार बढ़ता है, वैसे 240 से 300 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर बढ़ता भी है तो 19,320 330 तक बाजार जा सकता है। और वहाँ से अगर एक शार्प सेलिंग हुई तो बाजार फिर सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ जो है ठीक रहेगा बाजार का। बाजार शायद अच्छे खुले हैं, आपको या तो फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीचे बाजार सस्टेन नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आपको भी देखने के लिए मिलेगा आज की डेट में। जो भी पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से, तो ये लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो शायद सस्टेन ना करे, वहां पर एक सेलिंग आ जाए। अगर हम चार्ट पैटर्न की भी बात अगर आपके साथ करें, तो चार्ट पैटर्न भी यही कह रहे हैं कि भाई 19,240 के आसपास तक बाजार को जाने दो और बाजार वहां पर एक सेलिंग जो है फेस करे। और अगर वो सेलिंग को फेस ना करे तो 300 से लेकर 340 के बीच में भी जो है बाजार 330 340 तक भी जा सकता है। और इस रेंज में एक अच्छी खासी सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और या इस पीरियड में कंसोलिडेट करके बाजार ऊपर जाने की चेष्टा करता है या नीचे जाने की, बट कल अभी हम कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो कल शायद ये जो 330 तीन के आसपास की जो हम रेंज बता रहे हैं, ये ऊपर की रेंज है, और नीचे 240 के आसपास की इस रेंज में जाएगा, तो बाजार सेल करने के लिए जो है आतुर हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो फंसे हुए हैं, वो एक बार निकलने की कोशिश करेंगे, तो वहां से एक सेलिंग देखने के लिए बन सकती है। आज भी जो अटेम्प्ट हुआ बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हुए, और वहां पर भी सेलिंग हो गई। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, टीसीएस और ब्रिटानिया के जो है अच्छे रिजल्ट हैं, वो सॉरी अच्छे परिणाम थे, और जो उनका आज उनका परफॉर्मेंस थी अच्छी रही। और मैं भी बीच में जो है आपके साथ एक चर्चा करना चाहूँगा अदानी एंटरप्राइजेस पर, अभी थोड़ी देर बाद। बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, हीरो मोटो को और बजाज ऑटो वो कमजोरी में थे, और अदानी एंटरप्राइजेस के काफ़ी बेहद खराब रिजल्ट आए हैं। टॉप लाइन ही तो गिरी ही गिरी है, प्रॉफिट भी बहुत तेजी से गिरे हैं। और अब चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, लेकिन देखिएगा ओनरशिप अदानी ग्रुप की कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, तो हो सकता है शेयर प्राइस इतना रिएक्ट ना करें। मान लीजिए अगर कोई और कंपनी होती है, तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई इसके हिसाब से कम से कम 3 से 5% की करेक्शन अब जो है ऐसे शेयर्स में आनी चाहिए। बट क्योंकि ये शेयर्स अलग तरीके से स्पेकुलेटिव रहता है, तो इसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके अलावा एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें, तो एनएससी की जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो आज एडवांस के फेवर में थी, और काफ़ी दिनों के बाद जो है इतनी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। ब्रिटानिया, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, अपोलो, आइशर, ये सब तेजी में थे। हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, एचडीएफसी और अदानी इंटरप्राइजेस कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 316 पॉइंट में चला, और यहाँ पर भी देखिएगा जहाँ पर खुला बाजार वहीं बंद हुआ। 4308 पर खुला और 43017 पर, और नीचे 42,796 तक, यानी कि लगभग 800 तक।
ऊपर की तरफ 271 तक का गया और जाके बाजार बीच में जहां पर दोनों रेंज टेस्ट की, सुबह के समय पर ऊपर की रेंज, दोपहर के समय में नीचे की, और फिर आके बीच में बंद हो गया। तो ये तो था निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी अगर हम बात करें तो जब तक 43,400 के ऊपर बाजार नहीं टिकते, और क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है कि 43,400 के बाद 43,560 तक बाजार टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं जहां पर एक रेजिस्टेंस है। बट अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 43,400 भी कल आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर भी हमें एक लगता है कि एक सेलिंग आएगी, क्योंकि अगर हम इस बड़ी रेड कैंडल को देखें तो ये भी ये इंडिकेट कर रही थी कि जब बाजार इस रेंज में गया था 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई। तो हो सकता है कि बाजार अभी अटेम्प्ट करे, क्योंकि इंटरनेशनल मूड माहौल ठीक हुआ है, आज का सेटअप भी ठीक तरीके से क्लोज हुआ है, तो उनको देखते हुए लगता है कि वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है 43,400 की तरफ। नीचे की तरफ मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे नहीं आ सकता, बट नीचे अभी जो है एक बाइंग आ रही है, और क्योंकि बाजार एक जबरदस्त ओवरसोल्ड जोन में थे, तो कुछ समय अगर नीचे भी जाना होगा तो कुछ समय भी कंसोलिडेशन का दौर रह सकता है। तो कल का पीरियड भी हमारा कंसोलिडेशन के लिए ही है, बट जिस तरीके से मूड माहौल है उस हिसाब से हो सकता है कि बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव खुले, और पॉजिटिव कितना खींचते हैं ये तो देखिएगा जब बाजार खुलेगा उसके बाद प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन बाजार में मुझे लगता है कि एक बार शुरू किया, 1-2 घंटे हो सकता है कि बाजार थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाए, और फिर हमें गौर से देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेंथ लूज़ तो नहीं हो रही है दिन में। अगर वो लूज़ होती है तो फिर बाजार फ्लैट भी हो सकते हैं और इवन नेगेटिव भी जा सकते हैं। और आज देखिएगा हर जगह तेजी थी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ते तो सारे बैंक आज तेजी में थे। इसके अलावा अगर हम बात करें FIIs, आज फिर बिकवाली करते हुए नजर आए, तो FIIs का जो बिकवाली का दायरा है वो भी जारी है, और 1380 करोड़ की DIIs की तरफ से जो है आज जो है बाइंग देखने के लिए मिली। FIIs ने तकरीबन 900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, लेकिन 1352 करोड़ के अपने जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो कवर कर लिए। तो ये संकेत थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी भी FIIs का डेटा नेगेटिव ही है। ऑप्शन साइड में भी एक अच्छी बिकवाली की है 19641, तो यहाँ पर जो है हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड के मूव्स हैं। तो कल भी हमारा जो व्यू है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड का ही रहने वाला है, और हालांकि बाजार की जो ओपनिंग है वो शायद अच्छी हो, और क्लोजिंग हो सकता है कि शायद इतनी अच्छी ना हो, और ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि भाई पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल 8.81 पर है और बैंक निफ्टी पर अभी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो मतलब पुट राइटर्स बड़ी जान दिखाते थे पुट राइटिंग करते, तो वो तो नहीं है अभी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी तकरीबन 350 पॉइंट की तेजी में काम कर रहा था, अभी तो 288 दिखा रहा है आपको, लेकिन 350 पॉइंट की तेजी थी। और ब्रांड क्रूड $85 पर ट्रेड कर रहा है, और ये ब्रांड क्रूड ही ना यही मेन ट्रिगर है, ध्यान रखिएगा। ये ब्रांड क्रूड अगर नीचे रहेगा तो इंडिया की जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रांड क्रूड फिर ऊपर से 90 या 90+ जाना शुरू होगा तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक ओवरहैंग जो है वहाँ पर होगा, और वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग फिर दोबारा से ऊपरी लेवल पर बन सकती है। तो ब्रांड क्रूड पर नज़र बना के रखनी है। इसके अलावा ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 19,100 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, जो एक संकेत दे रहे हैं कि भाई हाँ बाजार में स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि कॉल राइटर भी एक्टिव थे 19,200 और 19,300 पर, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो दोनों साइड में बराबर है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है अनडिसाइसिव। तो हम वही बात कर रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और 43,000 के अंदर अगर निफ्टी बैंक में देखें तो एक अच्छी खासी राइटिंग पुट राइटिंग 90,000 कॉन्ट्रैक्ट की हुई। कॉल राइटर्स भी हालांकि 43,200 पे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हुए नजर आए, और जो राइटिंग है कॉल राइटिंग वो थोड़ी सी बिखरी हुई है अलग अलग लेवल्स के ऊपर 43,100 पर, लेकिन 43,000 के ऊपर जहाँ बाजार था वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो देखिएगा लगभग लगभग पुट और कॉल में बराबर है, लेकिन कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे थे, इतनी एक्सेसिव इतनी हैवीली सेलिंग नहीं हुई कॉल साइड में जितनी पुट साइड में थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है बाजार में एक रिलीफ जो है मिल रहा है बाजार को, तो अल्टीमेटली पुट राइटर भी वहाँ पर एग्रेसिव हो रहे हैं। और भारत ने जो है आज श्रीलंका के साथ अभी जो अपना वर्ल्ड कप का मैच है वो जीत लिया और 300 रनों से ज़्यादा से जीता है, तो अल्टीमेटली इंडिया फिर अब लिस्ट में टॉप नंबर वन पोजीशंस पर आ गई है, कल हालांकि 2 नंबर पर आ गई थी। तो ये थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीज़ें, जो तो थोड़ा सा जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि चलो मैच ही खत्म हो जाए तब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इंडिया ने जैसे ही मैच जीता तो हमने आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर की है। तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो आप भी शायद थोड़ा सा बिजी होंगे कि भाई ठीक है वर्ल्ड कप के, हालांकि हम सारे मैच नहीं देखते हैं,
लेकिन कुछ मैचेस जो है वो देख लेते हैं, पूरा तो नहीं देखते हैं। हाँ, स्कोर या कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें अगर लगती हैं तो अलग है। तो आज जैसा कि इंडिया ने एक बड़ा स्कोर बना रखा था और उसके सामने जिस तरीके से श्रीलंका की टीम धराशायी हो गई, उसी तरीके से धराशायी हमारे बाजार इस मंथली एक्सपायरी पे हुए थे। और जो पिछली मंथली एक्सपायरी थी उसमें हमारे बाजार भी 3 4 दिन में ऐसे ही हुए थे जैसे आज श्रीलंका की टीम का हुआ है। तो ठीक है जी, तो श्रीलंका की तो आज लंका ही लग गई, तो अब श्रीलंका की लंका लग गई है। तो आज की जो चर्चा है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।